हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है और उसके दम पे आज 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आएगी उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, और जो खबर निकल के आई है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है। हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आया है और बताया जा रहा है कि जेट एयरवेज शेयर प्राइस लॉक्ड इन अपर सर्किट आफ्टर NCLT अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखें तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं, NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फाइनली जो अप्रूवल दिया है वो कार्लॉक जनरल कंसोर्टियम ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है। जो उसने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था उसका फाइनली फ्रेंड्स यहां पे अप्रूवल आ चुका है, जो कि आपको पता होगा कि जेट एयरवेज कंपनी जो कि एक बैंक करप्ट कंपनी है और यह कंपनी पूरी तरह से डूब भी चुकी थी, जो कि एक टाइम पे तकरीबन 1300 रुपए के आसपास इस कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था और फाइनली जब कंपनी डूबी तब ये शेयर्स का प्राइस 10 रुपए तक आ चुका था और उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन प्लान होता हुआ नजर आया। और ये जो फॉर्म है कार्लॉक जनरल कंसोर्टियम, इसने जेट एयरवेज को एक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया और फाइनली फिर से कहीं ना कहीं जेट एयरवेज की फ्लाइटों को उड़ान भरने के लिए और फिर से ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए आ रहा है। कार्लॉक मतलब फ्रेंड्स एक इंस्टीट्यूशन है और जलान यानी मुरारी लाल जनाल आपने नाम सुना होगा, जो कि एक इन्वेस्टर है, दोनों मिलकर जेट एयरवेज को एक्वायर कर रहे हैं और इसको फिर से कहीं ना कहीं ऑपरेशन स्टार्ट करने का इसका प्लानिंग है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस तरह की यहाँ पे खबरें हैं और इन खबरों के दम पे फिर से शेयर कहीं ना कहीं अपर सर्किट के साथ तेज़ी लगाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अपना एक बहुत ही पॉजिटिव खबर निकल के आई थी NCLT की ओर से और इसके दम पे ये शेयर में बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आ सकती है उसके ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उससे पहले भी फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, NCLT मतलब एक ऐसी कोर्ट है जो कंपनियाँ बैंक करप्ट कंपनियाँ होती है उसका पूरा हैंडलिंग NCLT करती है। जैसे शेयर में कुछ घोटाले होते हैं, इक्विटी में कुछ घोटाले होते हैं तो सेबी जैसे हैंडल करती है, उसी तरह से NCLT जो कि कंपनियों में कुछ इस तरह से बैंक करप्ट कंपनियां होती है तो उसका पूरा जिम्मा NCLT संभालती है। और फाइनली NCLT की ओर से एक बहुत ही बढ़िया अप्रूवल आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आती है उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जेट एयरवेज का चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। देखा जाए तो 85 रुपये का अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। आप देख सकते हैं पिछले दिनों इसी लेवल के आसपास काफ़ी दिनों तक हमें संभलता हुआ नज़र आया था और उसी लेवल के आसपास आज हमें लो भी नज़र आया और इस लो से आज हमें फाइनली 5% का अपर सर्किट देखने को मिल गया। तो ऊपर के लेवल पर जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 103 रुपये का और मुझे लगता है कि 103 रुपये तक यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और अगर 103 के ऊपर निकलता है तो फिर तकरीबन 142 रुपये तक के भी यहाँ पर आपको टारगेट नज़र आ सकते हैं। उससे पहले 119 रुपये का भी एक यहाँ पर रजिस्टेंस लेवल है जो कि पिछले दिनों इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। तो ऊपर के लेवल पर तकरीबन 150 रुपये तक की भी मोमेंटम नज़र आ सकती है अगर फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें आगे आने वाले दिनों में आती है, तो जो कि इस खबर के चलते तो हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही हो सकता है। तो 103 रुपये के आसपास संभलता हुआ नज़र आया जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर निकलता है तो तकरीबन 119 के आसपास भी हमें संभलता हुआ नज़र आ सकता है। और नीचे के लेवल पर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो तकरीबन 85 का और उसके नीचे 70 का, तो नीचे के लेवल पर दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आप चाहे तो 85 रुपये के SL के साथ भी अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे हमें लेवल भी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है और ऊपर के लेवल पे अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो फ्रेंड्स, अगर पोजीशन बना के रखिए तो प्रॉपर SL के साथ ही पोजीशन बनाइए। और फाइनली अगर जेट एयरवेज उड़ान भरता है फ्रेंड्स और अगर आपने लंबी अवधि के लिए होल्ड किया तो फिर यहाँ से आपको और भी बड़े टारगेट डेफिनेटली नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन लेवल को वॉच आउट कर अपना स्टडी कंडक्ट कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले और चैनल पर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।